शरीर को भला चंगा रखने की इच्छा से लोग योग सीखते हैं। कुछ लोग सुबह टहलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अन्य व्यायामों के बारे में पूछकर जानकारी पाते हैं। लेकिन यदि गौर करें कि क्या ये लोग सीखे हुए योगासन या व्यायामों को नियमित रूप से करते हैं, तो यही पाएंगे कि नहीं करते। उन्हीं से पूछकर देखिए, फट से जवाब मिलेगा, आज बड़ी थकान है, कल से मैं बिना झिझक योग करूंगा। दरअसल कल से ये लोग टहलने जाएंगे, व्यायाम करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं। आप अपनी पसंद का काम किए बिना सुस्ती से बैठेंगे तो खुद आपका मन अपराध बोध के साथ आपको डांटेगा, ये क्या सुस्ती से बैठे हो, उठो। आपका अहंकार कभी भी आपको यह स्वीकार करने नहीं देगा कि मैं गैर जिम्मेदार हूं। आपका अहंकार यही तसल्ली देकर मन को धोखे में रखेगा, मैं आलसी नहीं हूं भाई, कल से शुरू करने वाला हूं। कर्नाटक के कुछ गांवों में एक अंधविश्वास है। लोग ये मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद उस इलाके के भूत प्रेत घरों में घुसने की कोशिश करेंगे। लोगों को इस बात का डर है कि इन भूत प्रेतों को भगाने की कोशिश करें तो वे गुस्सेल हो जाएंगे, फिर उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसलिए उन लोगों ने एक युक्ति लड़ा रखी है। भूत प्रेतों को लाल रंग पसंद रहता है, इसलिए उसी रंग में हर एक घर के किवाड़ पर यो लिख देते, कल आओ। कारण पूछे तो लोग कहते हैं, भूत प्रेत जब भी आए ये सूचना देखकर वापस चले जाएंगे। किसी काम को आज या अभी करने को कहा जाए तो उसे फौरन करने की जरूरत पड़ती है। कल एक अनागत दिन होता है, कभी न आने वाला दिन। इसलिए यदि आप अपने स्वास्थ्य से, कामयाबी से, आनंद से, अपने जीवन की जरूरतों से कहे कल आओ, तो वे खुशी से निकल जाएंगे। सावधान रहिए, कल से यह जुमला मन के अंदर गहराई से जमी हुई चालाकी है। जीवन के कई चरणों पर आपने इस मायाविनी चालाकी को बढ़ावा दिया है। बस एक बात समझ लीजिए, हम जिसे कल कहते हैं उससे हमारा सामना होने वाला नहीं है, वही जब आज बन जाता है तभी उसका सामना करते हैं। कल नामक समय हमारे जीवन के अनुभव में साकार होने वाला नहीं है। शंकरन पिल्ले कार मैकेनिक के पास गए, क्या आप मेरी गाड़ी के हॉर्न को बदल सकते हैं ताकि वह और ज्यादा जोर से बजे, उन्होंने पूछा। मैकेनिक ने कहा, हॉर्न तो सही है, दरअसल ब्रेक काम नहीं कर रहा है और उसकी मरम्मत करने की बनिस्बत हॉर्न की आवाज बढ़ाने का खर्च कम ही होगा, इसी ख्याल से पूछा था, शंकरन पिल्ले ने सफाई दी। कल कहने का मतलब ब्रेक को ठीक करने के बजाय जोर से भौंपू बजाकर लोगों को रास्ते से हटवाने के बराबर ही है। कभी भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, चाहे घर का काम हो, कोई उद्योग चलाना हो या फिर स्वास्थ्य के लिए कोई व्यायाम हो, पहले उसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना लेनी चाहिए। रात को 10 बजे के बाद पेट भर पूरी ठूस ले और सुबह 6 बजे योग की कक्षा में जाने की सोचे तो शरीर कैसे सहयोग करेगा। रात को इस तरह कम खाकर देखिए कि सुबह 4 बजे नींद खुल जाए, अपने आप जग जाएंगे, शरीर आपसे कहेगा चलो योग की कक्षा में चले या टहलने निकले। लगातार कुछ दिनों तक करके देखिए, उसके बाद किसी को आकर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन में एक दृढ़ संकल्प, बाहर अनुकूल परिस्थिति, इन दोनों को बना लीजिए। इच्छित कामों को टाले बिना पूरा करने की ताकत अपने आप आ जाएगी। धन्यवाद।